हाल ही में आपने हर एक सेलिब्रिटी को बस एक ही प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए देखा होगा, आदिवासी ऑयल। आप आदिवासी ऑयल डालोगे तो बहुत सारे तेल आते हैं। का बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप एटलीस्ट आदिवासी नाम यूज करके मत शुरू करो। मुझे लगा 108 जड़ी बूटी है। बल्कि ध्रुव राठी ने भी ये बताया कि किस तरह उन्हें भी हद से ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफर किया गया था इस चमत्कारी तेल को प्रमोट करने के लिए। इस चमत्कारी तेल के मेकर्स के हिसाब से वो ये बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि उनके इस आदिवासी हेयर ऑयल को इस्तेमाल करने से आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सफेद बाल काले हो जाएंगे और डैंड्रफ जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि वो अपने चमत्कारी तेल में 108 से भी कहीं ज्यादा जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि 108 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने के बाद भी वो अपने किसी भी इंग्रेडिएंट का नाम अपने प्रोडक्ट के लेबल पर मेंशन करते ही नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो शायद सच में ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट ही होगा। लेकिन सिर्फ ये कंपनी आपको ही नहीं बल्कि सरकार को भी चूना लगा रही है, क्योंकि अपने इस सो कॉल्ड चमत्कारी तेल को प्रमोट करने के लिए ये इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को 40 लाख रुपए तक का ऑफर देते हैं। बल्कि उससे भी परेशानी की बात तो ये है कि करोड़ों रुपए मार्केटिंग पे खर्च करने के बावजूद भी ना तो इनका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे मार्केट प्लेसेस पर बिकता है, बल्कि ये सिर्फ अपनी वेबसाइट पर वो भी कैश ऑन डिलीवरी में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं ताकि ये सरकार से करोड़ों का टैक्स इन्वेट कर सके। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस चमत्कारी प्रोडक्ट को खरीदना है कि नहीं।